मानो बैठी क्या कर रही है। मेरे भाई और भाभी का जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी है। पापा गाड़ी धोते हैं, उसके बाद उसको सुकने डाल देते हैं। ये आपकी ना बार बार बाजू आ रही है और इस पे क्या हो गया है? इकराने मारा मुझे, इकराने मारा मुझे। आप लोगों ने शादी से पहले सोचा था इतना क्यूट सा काका होगा आपका? जो हारेगा वो बिल पे करेगा, ठीक है? डन हो गया। ये क्या है हटिया, की सोच के आया ऐसे? चाची और भतीजा दोनों सोए पड़े हैं। आज का मेरा दिन जो है वो बहुत ही थकावट में गुजरा है भाई, क्योंकि दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। ये मुझे देखने वाली लड़कियां रिलेट कर पाती होंगी मेरी सिचुएशन। खैर आज का दिन हमारा कैसा गुजरेगा ये तो अभी हम जाके आपको आगे दिखाएंगे। अभी फिलहाल जो है आप लोगों ने अगर मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो अभी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स गो, नीचे चलते हैं, लाइटें वाइटें बंद करते हैं भाई। यहाँ आई हूँ मैं इस कमरे में। ओए अल्लाह, व्हाट इज दिस? ये मानो बैठी क्या कर रही है? बोर हो रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था करने को, इसलिए ये ना मानो अगर तुम बोर हो रही हो तो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ पैकिंग कराओ यार। मैंने आपको बताना था कि प्लीज यार आज डेट आगे पीछे कर लो, मेरे मिड टर्म आ रहे हैं, मैं मर जाऊंगी। डेट तो लॉक हो चुकी है। हाँ क्या डेट है, लोगों को बताइए। नहीं अभी तो लोगों को नहीं बताइए, अब तो लोगों को तो तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हारे मिड्स हैं? मम्मा ने मुझे बताया था कि नेक्स्ट मंथ है, तो नेक्स्ट मंथ मेरे मिड्स हैं। मुझे अपने मिड्स वालों को कहो छुट्टी करें। अच्छा मिड्स वाले करते हैं ये होगा, वरना मैं आपकी शादी में पढ़ रही होंगी और आप लोग शादी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी पे सिर्फ पढ़ रही हो ताकि तुम ज्यादा तंग ना करो और रीप से ज्यादा दूतलाई ना मांगो। अब मैं यहाँ एक ही बात कह सकती हूँ कि शादी फर्स्ट। ये होती है इकरा कवल की बहन वाली बात। शादी एक बार आती है, पढ़ाई तो आती रहती है। हर साल मिड टर्म देती, मानो मानो भाई मेरी सबसे अच्छी। ये मानो तुमने क्या, किसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो? बर्थडे किसी का भी नहीं आ रहा, लोनली होकर खुद ही लगा। ये गाइस आजकल के बच्चे लोनली होकर गुब्बारे फुलाते हैं। हम लोग जो थे जब छोटे थे तो हम गुब्बारों के साथ क्या करते थे, हम जो बेचने वाले आते थे तो अम्मा से कहते थे 2 रुपए दे दो एक बलून खरीदना। ये गाइस इसने अपना रूम साफ किया हुआ, ठीक है? साफ की हालात चेक करो। मेरा ब्लैंकेट और उस पर तुमने इस मोटे आलू को बिछाया हुआ और सुलाया हुआ। चले गाइस ये सूरत हाल तो चलती रहने, हम नीचे चलते हैं भाई। किचन में कोई भी नहीं है, मम्मी लाजमी किचन में होगी, लाजमी। अम्मी बस किचन में ही मिलती है, अम्मी का किचन घर है। अम्मी ने यकीन करे इस घर में 4 किचन बनवाए हैं, 4 किचन। एक ये किचन है मेरी मॉम का, एक वो किचन है मेरी मॉम का, एक हमारे ऊपर वाले पोर्शन में किचन है मम्मी का, और एक हमारा 3rd फ्लोर पे किचन है जिसको हमने स्टोर बनाया हुआ। ये क्या भिगोया हुआ है? देसी मुर्गी। ओए ओए ओए, मेरी मम्मा ने बनाई है देसी मुर्गी विद मजे का आलू। क्या हुआ है? रोटी मेरे कैमरे से कहाँ पे जाती है मम्मा? ये कैसी रोटी है आपने? मैंने ठीक कर ही ली है। ये तो राबिया के मुंह वाली रोटी बनी है, देखें गाइस बिल्कुल राबिया का मुंह, यहाँ 2 आंखें और नाक लगा दें, राबिया का मुंह। तेरा भी ऐसा ही है। मैंने खाना शाना खा लिया था, मम्मा ने आज कोई क्लासिक मजेदार खाना बनाया था यार। चलो आप तुम्हारा काम करने चलो। क्या काम? हाय पैकिंग नहीं करनी यार, मेरी ना ज्वेलरी की कुछ चीजें पैक करनी है, अब हम उसको पैक करते हैं, लेट्स गो। बच्चे दोगे? मम्मी ना रोज कोई ना कोई कैंपेन चला रही होती है, मैंने अपनी चीजें निकालनी है यार। ये अब कुछ लगा के मानो। वाह जी वाह, ये क्या किया हुआ है? ये गुड़िया के ऊपर लेने वाला कंबल है। हाँ ये मैं वही तो कह रही हूँ, उसमें उस मुन्ने को सुलाया हुआ है, लेकिन ऊपर किसी को जूते ना लाने देने। चले मम्मा अब लाइट्स ऑन करें, ये क्या अंधेरी है उसमें, बर्थडे करने आए हम किसी का? मैं अपना सामान लेने आई हूँ यहाँ से, यहाँ पे मेरी सारी पड़ी होती है ज्वेलरी। ये देखिए मैंने ना कुछ बॉक्सेस बना के, जैसे आपको एक दफा वो ज्वेलरी टूर कराया था उसमें। जल्दी करो जल्दी, हमने अलमारियाँ खाली करनी है, क्योंकि आपको पता है ये सारी की सारी ज्वेलरी इकरा कंवल ने अपने हाथों से खरीदी हुई है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा शौक था। पता है सारा कचू कूड़ा इकरा कंवल का। मम्मा एक मिनट, अरीब की कॉल आ रही है। सो गाइस सिचुएशन कुछ यूं बनी है कि मुझे अरीब की अभी भी आपको बताया कॉल आई है, मेरे भाई और भाभी का जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी है कि मैं और मेरी फैमिली तुम्हें लेने के लिए
पहले आ रहे हैं तो रेडी हो जाओ। कह रहे हैं 5 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। इतनी इमरजेंसी, समझ नहीं आ रहा कि मुझे फटाफट गिफ्ट अरेंज करना है। मम्मी मेरी सारी, मैं आई थी ऊपर ज्वेलरी सेट करना, मुझे लगा दो गिफ्ट निकालने पे है, जल्दी आ देती हूँ। मेरी बहुत सी चीजें हैं, मैंने नई जो खरीदी हुई है उनमें से निकालती हूँ, फिर हम लोग लेट्स गो। यहाँ पे मेरे सारे नए डब्बे पड़े हुए, कुछ पड़ा उठा के सारा ले। मम्मा क्या निकाला है? ये जूता निकाला, वहाँ जाकर खोलना, पता चले जेंट्स आ गए, पापा का आ गए। ये गाइस ये लेडीज है, एक मिनट मैं लोगों की कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। ये देखे गाइस, यार मजाक तो करने दिया करो, नहीं मैं रास्ते में ही पकड़ लेती हूँ अगले बंदे को। तो अभी लेट्स गो होते हैं, तो आते हैं तो फिर आपको चाहिए इकरा भाग दौड़। अब इकरा की भाग दौड़ ही होनी है, कभी इस फूलते कभी उस फूलते। आए चलें जी गाइस, मैं रेडी हूँ और अरीब साहब आ चुके हैं, बेल दे रहे हैं। मम्मी ओके ओके बाय, कल का। यहाँ मैं आई हूँ बाहर, पता नहीं पापा गाड़ी धोते हैं उसके बाद उसको सुकने डाल देते हैं। ये अच्छा प्रोटोकॉल है, हमसे ज्यादा प्रोटोकॉल तो ये लेती है बेचारी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी आ जाओ, कब से वेट कर रहा हूँ, वो लोग वेट कर रहे हैं हमारा। हाय अल्लाह, मुझे लगा आप सबके साथ आएंगे। नहीं नहीं, उन्होंने ना भाई ने ऑफिस जाना था, एक छोटी सी सेलिब्रेशन है यार, बिल्ली की अम्मी अब्बू की सेलिब्रेशन है, हम कैसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा लेके आओ, मैं तो कह रहा था ना लेके आओ। आप कितने बुरे हैं वैसे। छोटी सी सेलिब्रेशन है, वो कहते ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, उसको भी लेके आओ उसको भी लेके आओ। वो मुझसे मतलब प्यार करते हैं, आप नहीं करते? मैं से ज्यादा प्यार करते क्या ये क्या ले आई हो? अरीब गिफ्ट जब उन्होंने कहीं... मुझे बोलना है, उन्होंने स्पेशली मना किया था कि बस कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा एक छोटा सा केक काटना है, तो मैं भी इतनी चीजें लेके आ गई। मेरी बात सुने, केक ले लिया, केक रास्ते से ले लेते हैं ना उनके लिए, ऊपर लिखवा लेते हैं एनिवर्सरी। चलो जाते वक्त ले लेते हैं चीजें, वगैरह देख लेते हैं उनके लिए, केक लेते हैं प्रॉपर, ताकि पता लगे भाई हमें बड़ी खुशी हुई। 2 साल हो गए शादी जो होती है ना, वो चाहे 30 साल हो जाए, कपल शुड बी हैप्पी लविंग केयरिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दैट्स इट। ओके ठीक है, उसके लिए तो जरूरी है कि आपने एनिवर्सरी मनानी है, करनी आपने ना हर दिन, अरीब आपने ना ना हर दिन एनिवर्सरी है, टू मेक योर वाइफ स्पेशल। सीट बेल्ट पहनो, कितने जला बहुत जरूरी होता है, सेलिब्रेशन छोटी छोटी होती हैं जो के अच्छी लगती हैं। चलें गाइस अभी लेट्स गो होते हैं, लेट्स गो होते हैं। कल मैंने देखा है गाड़ी चलाने की कोशिश की है, गूगल करती हूँ, मेरी, मेरी मेरी सारी जो मैंने अपनी एफर्ट पुट की थी उसको जाया किया तुमने, है कसम से जाया नहीं किया। देखो तुम्हें ये नहीं पता चला कि हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक है इसको नीचे करना होता है, कितनी बड़ी समझाया था मैंने उस दिन। है अरीब, आपने मुझे थ्योरी समझाई थी, आप पास बैठे थे, मुझे थ्योरी समझाई थी, प्रैक्टिकल तुमने चलाई थी इतनी देर, पता है क्या आप मुझे बता रहे थे कि अब ये अब ये अब ये, पता है तुम्हें मसला कहाँ पे हुआ है? वो गाड़ी थी ऑटो, हाँ। उसका यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट होता है, इसका आता है इग्निशन वाला, हाँ। तो मैं समझ नहीं आई थी स्टार्ट कैसे करना, मैंने पूरा व्लॉग देखा, मैंने गूगल कर दी थी मैं, हाँ, मैंने पता क्या, अफसोस, हाउ टू ड्राइव एक्वा कार, अफसोस हुआ मुझे, मैंने कहा इतना मैंने सिखाया, 1 घंटा तुमसे मैंने सारा समझाया, सब कुछ कहा ये, और ये तुमसे पार्किंग से नहीं निकली, मैंने सीखी ऑडी पे थी, तो अब ऑडी से एक्वा पे आऊंगा। और मजे की बात बताऊं आपको, असली जो आपने मुझे चीज नहीं सिखाई, आपने मुझे रिवर्स गियर नहीं सिखाया। रिवर्स मुझे भी, मैंने भी तब देखा था, मुझे याद है, तो मैंने रिवर्स, हमने आगे गमले पड़े हुए थे, अगर फोर्स पोज मैं चला लेती ना तो ठुकनी ठुकनी थी, शुक्र है बड़े डिजास्टर से बचू। लोग मुझे कह रहे हैं इकरा आपकी पंगे ना ले, आपकी शादी होने वाली है, आप रात को उठ के ड्राइविंग नाड़ी की नाड़ी कोई बात नहीं, ऐसे ही आता है, अगर एक बड़ी चलाओगी तो इसी तरह। आपने कैसे सीखी थी? मैंने भी ऐसे सीखी थी, एक बार लेके चला गया था, छुप छुप के जाना पड़ता ना, बड़ा थी, फिर मुझे ऐसे पसीने आ रहे हैं, ऐसे जैसे गाड़ियां जा रही है, मुझे लग रहा था दुनिया की सबसे मुश्किल ड्राइविंग है, मुझे लग रहा था ये हर गाड़ी मेरे अंदर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मार देगी। अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे कल लग रहा था गमले राबिया का, तो मैंने खूब डराया, बड़ा मजा आया वैसे। चलें गाइस अभी हम लोग निकलते हैं और रास्ते से लेते हैं केक शेक और फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस यहाँ पे पहुंचे हैं, अब लेने जा रहे हैं हम लोग केक, और ये प्यारा सा केक लेना, पर रेड कलर से लिखवाना है, हैप्पी एनिवर्सरी भाई एंड भाभी, सेकंड एनिवर्सरी भाई एंड भाभी लिखवा, ठीक है? ठीक है, प्यारा लगेगा, प्यारा लगेगा। आ चुका है, जल्दी जल्दी स्पीडो स्पीड यार आपकी ना बार बार बाजू आ रही है, और इस पे क्या हो गया है यार? ये मुझे खुद भी नहीं पता लगा क्या हुआ है, ये इकरा ने मारा मुझे, इकरा ने मारा मुझे, ये चीज लगी है, ये मुझ पे तशद्दुद करती है लड़की, तो अभी तो मैं आई भी नहीं हूँ, तशद्दुद तो मैंने किया ही नहीं, मुझे डरा के रखा हुआ इसने, ये करो ऐसे करो वो करो। अभी निकलते हैं गाइस, वहां पहुंच के आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच गए, चलते हैं वहाँ पे मिलते हैं सबसे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए थे, ये वेडिंग एनिवर्सरी का नतीजा इधर खड़ा हुआ है। आप लोगों ने शादी से पहले सोचा था इतना क्यूट सा काका होगा आपका? इतना प्यारा माशाल्लाह। काका भी अपनी अम्मी अब्बू को वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट कर रहा है, काका हमारी साइड से आया हमारा हो गया, उनकी साइड काका आपका हो गया, अब ये हमारी साइड का काका।
हम लोग करने लगे कॉम्पिटिशन, ठीक है ये वाटर बॉटल है, ठीक है ये करना है। चार ट्राइज हमारे पास होंगी, चार हमारे भाई के पास, उसका पल के पास होगी, जो हारेगा वो बिल पे करेगा, ठीक है डन हो जाएगी, मजा आएगा, ठीक है करेगा। ये चाचू की टीम का है ना, ये हमारी टीम, डन डन डन, चलो एंजॉय करेगा। पहली ट्राई जो है वो बड़ों को देते हैं, बड़ों को देते हैं, आ जाओ जी, चलो जी पहली ट्राई करो जी, स्टार्ट करते रहो करते रहो। नहीं हुआ, नहीं हुआ, लास्ट 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 हमारी बारी स्टार्ट होने लगी, भाई भाई ने कोई भी नहीं किया, भाई और भाभी ने, ठीक है पहली बारी मैं करके मैं जीतवाने लगा, ठीक है बेस्ट ऑफ लक, वन टू थ्री चीजें किसी से भी नहीं हुआ है, मेरा झूठ हो रहा है, ये रेस्टोरेंट वाले मिल देंगे। एक चम्मच है ये, एक चम्मच है, चेक करें कितना बड़ा चम्मच है। चलो खाना शाना खाओ बस, फिर ये सैलेड है यार, वो देखो उन्होंने कितना एक चम्मच ही बना दिया। हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सैलेड नहीं है, साथ में प्रॉपर चिकन पीस है, मेरा खाना पूरा है। छोटा मोटा खाना शाना आ गया, बस खाना शाना खाते हैं फिर केक काटते, ठीक है। मैं पानी छानी, मैं फुल था। अब बारी है केक शेक काटने की, इस पे हमने स्पेशल कुछ लिखवाया, भाई भाभी पूरा नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऊपर ना भाई भाभी नहीं पूरा आ रहा था। हम लोग वेट कर रहे थे भाई कैंडल गल ले, ये वाली कैंडल मिली है प्लास्टिक की कैंडल, इसको आप लोगों ने ऐसे ऐसे फूके मार के, फूक मारना मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। फूक मारे पहले, फूक मारे। हैप्पी एनिवर्सरी, अल्लाह ताला आपको आपको ऐसी 4, 5, 6, 15, 20 मिलिया दे। कहेगा जी बेबी कह रहा मैं चले जी गाइस, केक शेक कटिंग सेरेमनी हो गई, अब हम चलते हैं घर को वापस। ये जरा चेक करें, अरीब ये क्या है, खटिया की सोच के आया ऐसे, ये तो अच्छा सब ठीक है, आपका फ्यूचर ऊंचाई पे है। बस वो यही कर रहा है, कब से यही कर रहा है, और तुम भी उससे कब से यही करवा रही हो, कुछ और भी करवा लो, कुछ और सिखाओ उसको, अब बिल्ली को अब कुछ और सिखाएं, बाय बाय इसको, बाय बाय, क्या नहीं आता अभी, वो सुनना है, वो ये सोच रहा है उसको सीटी मारना सिखाओ। वो कह रहा है कि बाजी 30 सीटी है तुम्हारी। चले जी गाइस, अब हम लोग निकलने लगे हैं घर के लिए, और इसने जो है वो यहाँ पे सॉन्ग सुन रहे। चले जी अब हम लोग जा रहे हैं घर, चाची और भतीजा दोनों सोए पड़े हैं गाड़ी में, इसको देखें माशाल्लाह, उसको देखें माशाल्लाह, वाह उसको सुला रही थी, खुद भी सो गई है। A few moments later, जी घर आ गए, उसको सुला था तो खुद भी सो गई थी हैं, पीछे मामा को पकड़ा दो ठीक है। मुझे पता ही नहीं चला मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ, कैमरा मेरे हाथ में आया, तो जी बाय बाय करने का वक्त, बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज, ऐसे करो ओके लाफेस। मैं चलती हूँ अपने घर, मुझे पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है, शायद हल्का फुल्का खाना खाया ना, सही गनूदगी चढ़ी हुई। चलो जी मैं घर आई हूँ, घर में सब सोए हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफेज।